ये दोस्तों पोको एक्स टू फाइनली फास्ट सेल में ऑर्डर करने के बाद वन डे पे फ्लिपकार्ट की बहुत बहुत शुक्रिया कि नेक्स्ट डे पे डिलीवरी कर दिया। पर आज इस दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसे आपका अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाएगा। मैं अनबॉक्सिंग की पहला वीडियो नहीं बन रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फास्ट सेल पर नहीं मिला है तो क्या यह वर्थ इट है नेक्स्ट सेल में या फिर अगले सेल में लेने का, और इसमें दोस्तों क्या बुराई है और क्या अच्छा ही है, और इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं, क्या इसमें ऐसा कुछ बात है जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपको इस वीडियो में देखने को लिए मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, देख सकते कुछ स्लो मोशन 960fps का फुटेज है पोको एक्स टू से खींचा गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का वीडियो देखने के लिए। पोको एक्स टू के लिए बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बहुत चर्चित वाला स्मार्टफोन है ये, इसको जो आप K30 का रीब्रांड बोल सकते हैं रेडमी का। पर क्या आप दोस्तों चाइना में जाके कस्टम ड्यूटी लेके K30 को लेके आएंगे या फिर इंडिया पे पोको एक्स टू लेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ जो है, इस फोन में आपको इंडिया पे लॉन्च कर रहे 64GB 128GB 256GB वेरियंट है, फिर भी इसमें दोस्तों आपको जो बेस वेरियंट है एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट देना चाहिए था। अभी तक बहुत सारे इंडियन जो है, ये मेरे को खुद भी ये जो है डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड अच्छा लगता है क्योंकि कुछ डेटा उसमें रहता है। उसके बाद इसमें 6.6 इंच जो बिग स्क्रीन साइज मिलता है वो अच्छा है, पर फिर भी इसमें 208 ग्राम का होने के बावजूद इसमें जो वेट बैलेंस अच्छी तरीके से किया गया है तो थोड़ा सा फिर भी वो हैवी लगता है आपको, और इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता। पर दोस्तों 120Hz डिस्प्ले के साथ ये जो मिलता है डिस्प्ले क्लैरिटी एमोलेड के साथ तो मैं नहीं बोलूँगा, पर अच्छा है, डे टू डे लाइफ में यूज करने में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 120Hz डिस्प्ले जो है दोस्तों ये अभी तक सिर्फ दोस्तों हार्डवेयर सपोर्ट करने से नहीं बन जाएगा, आपको फीलिंग्स नहीं आएगा उसमें, जो आप गेम खेलेंगे वो भी 120Hz में होना चाहिए और जो ऐप्स है उसको भी सपोर्ट रहना चाहिए। और इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया गया, बहुत सारे लोगों का कॉम्प्लेन है, पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो 120Hz डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है, और इसमें 120Hz डिस्प्ले के साथ इस तरह का पैनल आपको एमोलेड पे मिलता तो इसका प्राइस जो 14-15 से शुरू होता है इसमें दोस्तों नहीं होता, 30 से ऊपर चला जाता, तो ये गुड प्राइस और वैल्यू का मानी आप बोल सकते। और एक बुरी बात है इसमें जो नोटिफिकेशन लाइट इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता। मैं फर्स्ट इंप्रेशन बता रहा हूँ, इसका काली डिलीवरी हुआ है और उसके लिए मैं जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को लगा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको लेना चाहिए कि नहीं वो भी मैं बताऊँगा। तो नोटिफिकेशन लाइट इसमें आपको नहीं मिलता। और एक दोस्तों इसमें जो MIUI फॉर पोको का जो वर्जन मिलता है, MIUI स्पेशली पोको के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसमें दोस्तों अभी तक के लिए कोई भी एड्स नहीं है, पर उसमें यूजलेस कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाए जो काफ़ी बुराई है, तो वो गेम खेलते खेलते टाइम या फिर कुछ और करने के टाइम में नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाता है तो वो ऐप के अंदर से आता है, तो वो थोड़ा सा आप उसको डिजेबल भी करके रख सकते हैं। इसमें जो दोस्तों आपको कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX सेंसर वाला कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो सैमसंग का कैमरा सेंसर है GWMX तो उससे काफ़ी अच्छा है, और अच्छी पिक्चर क्लैरिटी इसमें जो मैंने खुद नोटिस किया हूँ दिखाऊँ कुछ शॉर्ट सैम्पल में आप लोगों को दिखा दें, इसका बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा तो ये देख सकते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा ऐसा चीज़ मिलेगा, और सबसे पहले आपको जो मिलता है फ़ोन, और उसके बाद सिम इजेक्टर टूल, और आपको जो एक केस TPU कवर देखने के लिए मिल जाता है, और एक जो इसमें सबसे अच्छी बात है कि Xiaomi अब जो है फास्ट चार्जिंग का जो बॉक्स के अंदर ही पैकेज दिया गया है, तो अंडर 20,000 मैं बोलूँगा, मैं बेस वेरिएंट लिया हूँ 64GB, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आप इसको ले सकते हैं। और इसके कैमरा के कंपटीशन में कोई भी अभी तक मार्केट पे नहीं आया है इस सेंसर को देखे, तो इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। तो एक कुछ थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर 20,000 के अंदर आप कुछ बजट वाला फ़ोन ढूंढना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं पोको X2 को, और इसका बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे आ रहा है, अगर आप पिक्चर ये ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो नेक्स्ट इन फ्यूचर मिलेगा, काफ़ी सारा कंपेरिजन भी आ रहा है, परफॉर्मेंस टेस्ट, कैमरा, बैटरी सब कुछ मिलेगा। और सबसे पहले कि मेरे चैनल की खासियत है कि इसमें आपको रूट कस्टमाइजेशन नोटिफिकेशन का वीडियो देखने के लिए मिलता है, वो भी जल्दी आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें दोस्तों फास्ट टर्बो चार्जिंग का फीचर्स मिलेगा, और रूट कस्टमाइजेशन मोडिफिकेशन का अलावा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं रूट वगैरह वीडियो देखने के लिए।